और ये बगैरत मेरा दिल कर रहा है इसको गालियां निकालूं। ना तो बता रहा था कैसे आना इधर, ना कोई लोकेशन सेंड कर रहा था, ना ही बात सुन रहा था, ना फोन उठा रहा था। वो कह रहा जी मुदीर बोलेगा तो फिर खाली करेंगे, तो मुदीर का नंबर भी नहीं दे रहा। इंसानियत नहीं है यार इन लोगों में, दे ये नहीं सोचते कि बंदा रात का इधर आया हुआ है तो ना कुछ खाया ना पिया। अभी 1:30 हो गए हैं, 2 बजे आए हैं और लेबर के 4 बंदे वो भी फुल थके हुए हैं। तो 3-4 बंदे तो आप कैसे खाली करोगे 2 गाड़ी? लाने गया आदमी, हाँ फिर ही खाली होगा जी। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको एवं नहीं था कहा कि इस काम में जो है ना खाने का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। ये आप 2-3 दिन से मुसलसल देख ही रहे हैं। तो वो एक लोड ऑलरेडी कैंसिल किया है गाड़ी लेट खाली होने की वजह से शर्मा का, और अभी एक और लोड कन्फर्म किया हुआ है और उन्होंने 4 बजे तक टाइम दिया है कि 4 बजे तक पहुँच जाओ तो गाड़ी लोड हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम वगैरह आप सबका आज के नए व्लॉग में। दोस्तों टाइम सुबह के 5:30 हो गए हैं और मैं जनाब रियाज में पहुंच गया था, रियाज में, और अभी लोकेशन पे सुबह 4 बजे पहुंचा हूं। इधर गाड़ी खाली करनी थी, जम्बो से लोड लेके आया था, और अभी इधर जनाब कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो अभी इधर 6 बजे वो कह रहे हैं कि एंटर होना आप ट्रेलर लेके, तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। और इधर जनाब लेबर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ बसों की बसें भर के आ रहे हैं और बेचारे सोए हुए हैं बसों में। सुबह सुबह जनाब उन्होंने 5 बजे उठा के तो उनको ले आए हैं। दोस्तों अभी टाइम जो है ना 7 हो गए हैं और मैं 6 बजे का जनाब इस साइड पे घुसा हुआ हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा जनाब गाड़ी किधर लेके जानी है, खाली किधर करनी है। उसने जो लोकेशन भेजी हुई है वो उधर आगे कहीं पर ख़त्म होती है, वो टावर के पास, उधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और मसरी है उसकी अरबी की भी मुझे समझ नहीं आ रही, अभी पूछ पूछ के जा रहा हूँ। 1 घंटा हो गया भाई घूमते हुए, जगह ही नहीं मिल रही, गाड़ी खाली किधर होनी है, देखते हैं जी कब तक मिलती है। अभी जनाब 7:45 हो गए हैं तो अभी पहुँचा हूँ जिधर गाड़ी खाली करनी है। ये सामने लोड पड़ा हुआ है, ये वाला लोड लेके आए और ये उतारना मैंने, मैं उधर उस सामने रोड पर घूमता रहा हूँ और ये बगैरत मेरा दिल कर रहा है इसको गालियाँ निकालूँ। ना तो बता रहा था कैसे आना है इधर, ना कोई लोकेशन सेंड कर रहा था, ना ही बात सुन रहा था, ना फ़ोन उठा रहा था। अभी जनाब 1.5 घंटा जलील होके तो पहुँचा हूँ। चले अभी गाड़ी खाली करवा लें फिर निकलना इधर से, अभी तो नहीं खाली कैसे करेंगे, क्या तरतीब है इनकी जी। दोस्तों टाइम अभी 8:30 हो गए हैं और अभी तक जनाब कोई ना चक्कर चकार लग नहीं रहा इनका गाड़ी खाली करने का। ये अभी वो लोड करने लग गए हैं, पता नहीं मुझे लगता लेट कर देंगे मुझे। और कल हमने जनाब ये जिधर से चावल खाए थे उधर से ये स्वीडिश ली थी, तो अभी चेक करते हैं अगर ठीक हुई तो यही खा के गुजारा करेंगे फिर, उम्मीद है ठीक ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है जनाब अभी तक ना, जैसे कोई फैनियाँ नहीं होती दूध में डाल के तो इस तरह कुछ है, पता नहीं ये एग्जैक्ट क्या है ये नहीं मुझे समझ आ रही, लेकिन अच्छा है मिलेगा जी। दोस्तों अभी टाइम जो है ना 1:30 हो गए हैं तो अभी तक जो है ना इधर कोई चक्कर चकार नज़र नहीं आ रहा। एक बंदा है इधर, पता नहीं मसरी है, और पता नहीं यार इन लोगों में इंसानियत नहीं है क्या। एक तो होता है ना किसी शिरके में इस तरह का काम होता है कि गाड़ियां आ रही हैं, लोड हो रही हैं, खाली हो रही हैं, बिजी हैं काम करने वाले, तो गाड़ी खाली नहीं हुई तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये फ्री बैठे हुए हैं, बगैरत लोग हैं, क्या मैं कहूँ इनको, अभी तो फिर भी गाड़ी नहीं खाली कर रहे। मैं और एक साथ एक और गाड़ी है उधर खड़ी है तो, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं खाली कर रहे, पता नहीं क्या। अभी उसके साथ लड़ाई की है मैंने, तो कह रहा जी मुदीर बोलेगा तो फिर खाली करेंगे, तो मुदीर का नंबर भी नहीं दे रहा। इंसानियत नहीं है यार इन लोगों में, दे ये नहीं सोचते कि बंदा रात का इधर आया हुआ है तो ना कुछ खाया ना पिया। अभी 1:30 हो गए हैं, अभी गाड़ी खाली होने में भी 2 घंटे लगेंगे, हाथ से खाली होनी है, फोर्कलिफ्टर से नहीं होनी। अभी तो बर्दाश्त बाहर काम हो रहा है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। लड़ाई तो काफ़ी की है तो कहते हैं जी देख चेक करते हैं आपका तरतीब लगाते हैं, कोई क्या बनता है। ये बंदा है जी जो इधर गाड़ी खाली करवाने वाला मसूल है, सारे दिन का उधर अंदर बैठा हुआ था, कभी इधर निकल के बाहर घूम फिर आता था, फिर आग बैठ जाता था, ऐसे ही घूम रहा सुबह का। गाड़ी खाली जो है ना अभी करने लगे हैं, कहता है अभी खोलो उधर पा लें, लड़ाई झगड़ा किया तो फिर अभी 2 बजे खाली करने लगेंगे, पता नहीं घंटा लगाएंगे 2 घंटे लगाएंगे, ये भी कोई पता नहीं है जी। जनाब अभी ये खाली करने के लिए आए हैं, 4 बंदे हैं बस, इन्होंने 2-2.5 घंटे लगाना है गाड़ी खाली करते हुए, ये पैलेट रखे हैं इधर खाली करेंगे। अभी 2 बजे आए हैं और लेबर के 4 बंदे वो भी फुल थके हुए हैं।
ये भाई पता नहीं कब तक खाली करेंगे, 2 बजे स्टार्ट करने लगे हैं, देखते हैं 4-5 इधर भी जाएंगे ये। तो 3-4 बंदे तो आप कैसे खाली करोगे 2 गाड़ी? लाने गया आदमी, हाँ फिर ही खाली होगा। 4-5 बंदे और आएंगे फिर जो है ना 1 घंटे में खाली हो जाएगा। अभी जनाब मैं अपनी 2 दिन पहले वाली वीडियो में कह रहा था कि जिधर गाड़ी खाली करने जाए तो दुआ करे बंदा उधर अच्छा हो, एहसास वाला हो जो गाड़ी खाली करवाने वाला है। ये हिसाब हो गया ना आज हमारे साथ। तो अभी जनाब 2 बजे तक उसने गाड़ी नहीं खाली करवाई, तो ना ही कुछ खाने को इधर। तो ये जनाब खजूरें वगैरह खा के तो गुजारा कर रहे हैं। सुबह वो एक स्वीट डिश पड़ी हुई थी तो वो खा के गुजारा किया। अभी जनाब ये खजूरें खा रहा हूँ, पड़ी हुई थी मेरे पास। ये जनाब चक्कर चकार है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा लोड भी मथे लग जाता है जी। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको एवं नहीं था कहा कि इस काम में जो है ना खाने का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। ये आप 2-3 दिन से मुसलसल देख ही रहे हैं, हमारे साथ यही हो रहा है। आज भी 3:15 हो गए हैं, तो अभी जनाब मैं इधर से निकल रहा हूँ, ठीक है। 2 बजे इन्होंने गाड़ी खाली करनी स्टार्ट की, वो 3-4 बंदे फिर और आ गए, तो 1.25 घंटे में जो है ना गाड़ी खाली हो गई है। तो अभी जनाब ये देखे मैं साइड पे ही हूँ, अभी इधर से निकल रहा हूँ। और तरतीब अभी कुछ ऐसे है जनाब, सुबह 1 लोड ऑलरेडी कैंसिल किया है गाड़ी लेट खाली होने की वजह से शर्मा का, और अभी 1 और लोड कन्फर्म किया हुआ है, और उन्होंने 4 बजे तक टाइम दिया है कि 4 बजे तक पहुँच जाओ तो गाड़ी लोड हो जाएगी। तो आज जुमेरात भी है, अगर आज लोड ना हुई तो फिर हफ्ते वाले दिन जाके लोड होगी, 2 दिन ज़ाया हो जाएंगे। तो अभी जनाब उधर भी पहुँचना है, 1 घंटे की लोकेशन है मेरी, तो अलातुल मुझे अभी उधर जाना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि सुबह का गाड़ी नहीं खाली हुई, तो अभी जनाब अलातुल उधर जाना पड़ेगा लोडिंग के लिए। अगर लोडिंग के लिए ना जाऊँ अलातुल तो फिर गाड़ी नहीं लोड होगी, और आज जुमेरात भी है, मसला ये है। वैसे मेरा गुजारा हो गया, वो एक दो चीज़ पड़ी हुई थी, खजूरें वगैरह भी खाई हैं, तो गुजारे लायक काम हो गया। पर अगर आप भी भाई ट्रकिंग लाइन में आ रहे हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने अपने ट्रक में हर टाइम खाने वाली जो चीज़ है ना वो ज़रूर रखनी है, जिससे आप ऐसे टाइम में गुजारा कर सकें। खाना तो चलो नहीं रखा जा सकता, और इतनी गर्मी में अभी कुकिंग भी नहीं हो सकती, ये अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी आगे मज़ीद होगी, तो इसलिए जो है ना कुछ और चीज़ें जो है ना खाने वाली अपने ट्रक में हमेशा रखनी है आपने, ताकि ऐसे वैसे टाइम में जो है ना आप गुजारा कर सको, भूखे ना रहें। तो अभी जनाब अल्लाह तौल जाना पड़ेगा लोडिंग के लिए, उसके बाद फिर कुछ खाने को टाइम मिलेगा। चलें अल्लाह ख्याल करे चलते हैं, फिर पहले लोड कर लें, अभी 1 घंटा लगेगा उधर जाने में। ले जी लोकेशन में पहुँच गया हूँ, इंडस्ट्रियल सिटी में इधर से लोड करना है। लोकेशन तो इधर ख़त्म हो रही है, तो अभी कॉल करता हूँ उस बंदे को, पता नहीं ये कंपनी है या उधर है, मेरे ख्याल से वो वाली है सामने। तो देखते हैं अभी लोड क्या मिलता है, हमें चेक कर लेते हैं। 10-12 टन वजन बोल रहे थे, तो देखते हैं क्या करती है भाई, इन्होंने भाई रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर दी हुई हैं। दोस्तों आज का लोड हमारा ये है, पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिकल के कुछ जनरेटर हैं या मशीनें हैं क्या है, और ये बहुत एहतियात से लेके जाना पड़ेगा भाई, बेल्ट मारने पड़ेंगे इसको, अभी सबको बेल्ट मारने पड़ेंगे। जी दोस्तों गाड़ी लोड हो गई है, और एक को छोड़ के जनाब एक को बेल्ट मार दी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा एहतियात से चला लेंगे ना। तो अभी तरपालें बंद करके जनाब निकलते हैं। लें जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो गई है, और टाइम जनाब 6 हो गए हैं शाम के, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से आगे लोड कर लिया, इनको भी छुट्टी हो गई है, सारी आवाम निकल गई है, अभी बसों में जा रहे हैं अभी जनाब। ये बसें आई हुई हैं लेबर को लेने के लिए, छुट्टी हो गई है बड़े टाइम से, जो है ना आके तो लोड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये लोड ना करता भाई तो फिर आज जुमेरात थी, तो टाइम भी जो है ना शाम हो गई है, टाइम लोड मिलना था कि नहीं, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज का लोड जनाब बड़े एहतियात से लेके जाने वाला है,
महंगा भी है और जो है ना ऐसे समझ लगे स्क्रैच भी आ गई ना तो मुश्किल बन जाएगी, इसलिए दो तीन बेल्ट तो मारे हैं लेकिन फिर भी एहतियात से लेके जाना पड़ेगा। अभी जनाब सबसे पहले खाना खाना है, शाम के 6 हो गए हैं और आज सारा दिन खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, तो अभी पहले खाना खाएंगे फिर गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाना है। जी जनाब अभी खाना वगैरह खा के तो पंचरी भी पहुँच चुका हूँ, इधर से जनाब ऑयल चेंज करवा लें। मेरा यार ऑलरेडी जो है ना 2-3 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई है गाड़ी, क्योंकि पिछली दफ़ा शर्मा जाने से पहले चेंज करवाना था तो मुझे याद ही नहीं रहा तो बस भूल के निकल गया, तो अभी जनाब चेंज करवाने लगा हूँ। वेले बैठे हैं, चलो टाइम ना काम मुक जाएगा। गाड़ी जनाब वॉश भी होने वाली है काफी टाइम की, लेकिन जो है ना टाइम ही नहीं लग रहा काफी देर से। अभी फिर शर्मा चले जाना है, शर्मा में रास्ते में जो है ना कोई सर्विस स्टेशन नहीं आता, चलिए इसका भी जो है ना देखते हैं, एक दो चक्कर में इंशाल्लाह वॉश करवाते हैं। जी दोस्तों अभी ऑयल भी चेंज करवा लिया और अभी इधर कहीं पे खड़े करके तो सोते हैं, क्योंकि आज नो एंट्री जो है ना रात को 2 बजे खुलेगी रियाज की, तो उसके बाद ही निकल सकेंगे, तो लादा भी सोते हैं फिर इंशाल्लाह रात को जब आँख खुली 2 बजे के बाद उठ के निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों फिर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।